Hey guys, welcome back to our channel JK Math Masti. I am Jitendra. Today I am gonna to start a new static GK, means we will discuss about Gujarat. Already we have discussed about 14 state like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. इन सभी के वीडियो बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो आज बात करेंगे हम गुजरात के बारे में. गुजरात के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट एसेटिक जीके के बारे में बात कर लेंगे. इसके अलावा आपसे कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में. तो चलिए लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. जो सरदार सरोवर जो डैम है उसके ऊपर जो कि बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई का जो स्टैचू बना हुआ, जो कि 182 मीटर का जो स्टैचू है, जो ये बना हुआ है वो नर्मदा जिले के कंवड़िया सिटी है वहाँ पर इसको बनाया गया है. तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे. और मैं आपको बता दूं कि यह जो किसके द्वारा आर्किटेक्ट किया गया था, तो रामजी बंदी सुधा के द्वारा ये आर्किटेक्ट किया गया था. और यहाँ पे बहुत सारा जो रानी की बाग है जो कि 100 के नोट पर है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आगे चलकर फर्दर में बात करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा जो फेमस और हाइयर जो बना. तो पहले इसका नाम दूसरा था, अब इसका जो नाम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया, इसका नाम चेंज हो चुका है. तो फिर बात करें तो इसका लोकेशन देखते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पर है. तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल में आपको गुजरात दिख रहा होगा, जो कि उसके ऊपर में राजस्थान है, उसके नीचे में दादर नगर हवेली लगता है, और यहाँ पे महाराष्ट्र भी लगता है, और यहाँ पर भोपाल भी लगता है, और यहाँ पे पाकिस्तान भी लगता है, जो कच्छ का एरिया वो लगता है. ठीक है, तो ये मैप में इसका जो लोकेशन हो जाता है आपको दिख रहा होगा. तो इसके बात करें तो राजस्थान कौन कौन से लगते हैं, तो उसके बात करेंगे तो अभी बात कर लेते हैं. राजस्थान लगता है, पाकिस्तान लगता है, और महाराष्ट्र लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, दादर नगर हवेली जो कि यूटी है वो भी लगता है, और दीव जो यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर दीव दमन दीव जो कि जो यूटी है यहाँ पर भी लगता है. ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कौन कौन से बारे में बात कर चुके हैं, कौन कौन से राज्य के बारे में, तो बात कर चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल के बारे में भी, उड़ीसा के बारे में भी, छत्तीसगढ़ के बारे में भी, भोपाल के बारे में भी, वो तो भोपाल एक राजधानी है, तेलंगाना के बारे में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अप्रोक्स ये अपना 15 वीडियो है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. तो यहाँ पे श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल जो कि यहाँ पर है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट चलते हैं तो गुजरात के बारे में. गुजरात में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पे गुजरात का मैप आपको सक्षम दिख रहा होगा, क्योंकि सूरत भी है, अहमदाबाद भी है, अनंतनाग नगर भी है, कच्छ भी है जो कि पाकिस्तान से लगता है, और फिर बात करें तो जमशेदपुर भी. यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट है जो कि गुजरात के अंदर. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट बात करते हैं तो गुजरात का जो मैप बनेगा तो यहाँ पर बनेगा, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं. ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट बात करें तो इस वीडियो में हम कौन कौन से कंटेंट पे बात करें, कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे. तो फॉर्मेशन डे, कैपिटल, नोन एज गवर्नर, CM, चीफ मिनिस्टर, एरिया, बॉर्डर लाइन, अप्रोक्स जितना भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया उससे ज़्यादा भी हम लोग बात करेंगे. जी टेक ये सब जितना है उस हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. और उसके बाद जब अपना सेशन एंड होने जाएगा तब उसके बाद हम लोग 10 MCQ की बात करेंगे, और आपके लिए मैं 2 Q's दूंगा जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर आपको बताना है. ठीक है, तो आप मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें. आप जब तक वीडियो पूरा देखेंगे तब तक आपको पूरा नॉलेज गुजरात के अंदर जितना भी नॉलेज आपको गेन हो जाएगा, तो ब्लेम मी. तो चलिए वीडियो को आगे चलते हैं, फर्दर चलते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आई एम अ ग्रेट नीड टू सब्सक्राइबर. तो चलिए आगे चलते हैं. तो बात करते हैं गुजरात शेयर बॉर्डर्स, इट्स बॉर्डर ऑफ द 3 स्टेट, मीन्स 3 राज्यों से गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है, और यूटी से करता है, यूटी से और पाकिस्तान और देश से भी करता है. तो पाकिस्तान से इसका लगता है, और राजस्थान से भी लगता है, और मध्य प्रदेश से लगता है, और महाराष्ट्र से लगता है. यूटी में आपको बताया ही जो कि दमन एंड दीव से लगता है. फिर नेक्स्ट बात करें तो इसका हिस्ट्री क्या है गुजरात का. गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि 1 मई 1960 को इसका जो कि डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, गुजरात डे मनाया जाता है, और उसी दिन महाराष्ट्र को भी मनाया जाता है, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र से ही अलग हुआ था. गुजरात ड्राव इट्स नेम फ्रॉम द गुजारा, मीन्स इसका जो नाम दिया गया, बनाया गया नाम इसका, तो क्योंकि मैंने गुजारा से इसका नाम बना, सपोजली या सब्सट्राइट ऑफ द हुमेंस, हुन से. ठीक है, हु रूल्ड द एरिया ड्यूरिंग द 8th
एंड 9th सेंचुरी, माने ये इस पर जो रूल्ड किए थे जो कौन, तो हुंस, हुंस यहाँ पर रूल्ड किए थे 8th and 9th सेंचुरी में यहाँ पर रूल्ड किए थे, ठीक है। द स्टेट एज्यूम्ड इट्स प्रेजेंट फ्रॉम द नेक्स्ट 60 में इसको बनाया गया था, स्टेट का दर्जा देगा, ठीक है। वेन द फॉर्मर बॉम्बे स्टेट वॉज डिवाइडेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। बॉम्बे को इसको दो भागों में बांट गया, कौन से, गुजरात एक हो गया एक महाराष्ट्र हो गया, कब, 1960 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ब्रीफ डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल मीन्स राजधानी। यहाँ पर आपको ये नहीं कि मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगा, आपको हिंदी टू इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात करते हैं ब्रीफ में, उसके बाद डिस्कस करेंगे पूरा परफेक्टली। तो बात करें तो राजधानी यहाँ का गांधीनगर हो जाता है, इसको बनाया गया तो 1 मई 1960 में। टोटल एरिया यहाँ का हो जाता है 196024, ठीक है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ का एरिया रैंक बोला जाए तो इसका रैंक एरिया में हो जाता है 6th हो जाता है। पहले तो 5th था, जब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया तो इसका 6th नंबर पे स्थान आ रैंक आ जाता है, पहले इसका 5th था, ठीक है। फिर बात करें तो सबसे एरिया के अनुसार बात करेंगे बाद में, ठीक है। पॉपुलेशन 6038 इसका हो जाता है। पॉपुलेशन में रैंक बोला जाए तो 9th रैंक हो जाता है। डेंसिटी बोला जाए तो 308 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में बोला जाए तो 800 हो जाता है, ठीक है। लिटरेसी रेट बोला जाए तो 78.03, लिटरेसी रेट में सबसे बड़ा जो राज्य है वो केरला हो जाता है, ठीक है। पढ़िए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात सेक्स रेशियो तो 910919 फीमेल और 1009, ठीक है, रेशियो। और विधानसभा सीट जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि 182 मीन्स 182 है, और लोअर हाउस सीट मीन्स लोकसभा का सीट 26 है, और राज्यसभा का सीट यहाँ पर 11 है। और बाद जिलों की संख्या मैंने आपको बताया है कि 33 है आपका जिलों की संख्या। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो गुजरात में, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट जो कि गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है, तो गुजराती बोली जाती है और यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, पर हिंदी बोली जाती है बट गुजराती भी समटाइम बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर गुजराती, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर बात करें पर टेंपल कौन का, तो सोमनाथ टेंपल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया ही, जो इस इमेज में आपको शो कराया मैं, ये जो सौराष्ट्र जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर है, ठीक है। लेक यहाँ पर तो समीर सार लेक है, कंसरिया लेक है, ठीक है। यहाँ पर रिवर तो ताप्ती रिवर जो कि सूरत के लोकेटेड में है, ठीक है। साबरमती, नर्मदा, ठीक है, ताप्ती रिवर। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है जो कि इसी पर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना हुआ जो कि 182 मीटर का, ठीक है। स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और भी स्टेडियम है तो बात करेंगे, फर्दर बात करेंगे। फेस्टिवल तो सप्ताक फेस्टिवल और काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ पे डांस बोला जाए तो गरबा डांस जो कि सबसे फेमस डांस है जो कि गुजरात के अंदर जो कि फेमस चले। फिर फर्दर बात करते हो बंदरगाह है, फिर गए पोर्ट कौन करते हो, कंडला पोर्ट टूरिस्ट और दीनदयाल पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। नेशनल पार्क तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, और यहाँ पे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जहाँ पर सबसे ज़्यादा शेर पाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना। थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर पाया जाता है। तो बात करें कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ककरा पावर एटोमेटिक पावर प्लांट NPP एट मिथिवर्दी के नाम से, मिथिवर्दी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सोलर पावर प्लांट यहाँ पे कौन कौन सा, चरंका सोलर पावर प्लांट, बिट्टा सोलर पावर प्लांट। और बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे बहुत सारा है, बट मैंने अभी 2 इंक्लूड यहाँ पे किया है, बलराम अभाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और बात करें तो हम लोग विधानसभा सीट और लोकसभा सीट और राज्य सीट में हम लोग बात कर ही चुके हैं, 182 है, 26 और यहाँ का 11 रेशियो यहाँ का, ठीक है। फिर बात करें गुजरात का, मैंने बताया कि सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है जो कि सरदार सरोवर डैम पर बना हुआ, ठीक है। जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो राज्य हो जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट हो जाता है पॉपुलेशन के अनुसार, तो अहमदाबाद हो जाता है, 505 किलोमीटर स्क्वायर इसका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया है, टोटल एरिया मैंने आपको बताया 196024 किलोमीटर स्क्वायर, जो 5th रैंक पहले आता था अब 6th रैंक था, यहाँ पर बाय मिस्टेक से मैं यहाँ पे राइट कर दिया हूँ। टोटल पॉपुलेशन 6038 3624 जो कि 9th रैंक आता है इसका, ठीक है।
फिर बात करें यहाँ पर, बात करें कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाता है एरिया अनुसार, और पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो हो जाता है उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। सबसे छोटा बोला जाए तो सिक्किम हो जाता है एरिया अनुसार, और सबसे छोटा बोला जाए तो पॉपुलेशन अनुसार सिक्किम ही, सॉरी गोवा हो जाता है सबसे एरिया अनुसार, सॉरी फॉर डैट, और पॉपुलेशन अनुसार आपका सिक्किम हो जाता है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं गुजरात में जो स्टेट है, कौन कौन से राज्य सीमा लगता है और देश है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है जो आप यहाँ पे लोकेट हो रहा है, और नॉर्थ जो कि राजस्थान में पड़ता है, और जो ईस्ट में जो मध्य प्रदेश पड़ता है, और साउथ ईस्ट में जो पड़ता है महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। और जो समुद्र के तटीय जो लगा हुआ है गुजरात, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कच्छ के नाम से भी जाना जाता है, और कथीवार के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा जो तटीय राज्य लगता है वो गुजरात ही लगता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें प्रेजेंट इन गुजरात, गुजरात में प्रेजेंट में कौन कौन से हैं, तो चीफ मिनिस्टर जो कि भूपेंद्र भाई पटेल जी यहाँ के हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, ठीक है। और गवर्नर जो कि आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और फिर बात की जाए तो चीफ जस्टिस जो कि अरविंद कुमार जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। फिर बात करें कि यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर यहाँ के कौन है, तो मेहंदी नवाज जंग जी हैं, और फिर प्रेजेंट में आपको बताया आचार्य देवव्रत जी हैं। चीफ मिनिस्टर जो कि फर्स्ट यहाँ के कौन थे, तो जीवराज नारायण मेहता जी यहाँ के, ठीक है। प्रेजेंट में भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ के कौन थे, तो सुंदर लाल त्रिकमलन देसाई जो कि फर्स्ट है अरविंद कुमार जो कि आपको इमेज में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो हाई कोर्ट इज़ करेंटली लोकेटेड एट द नियर अक्सावानी नवरंगपुरा अहमदाबाद जो कि जिले में स्थित है, ठीक है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। टोटल हाई कोर्ट गुजरात के अंदर 25 है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि एन वी रमन्ना जी यहाँ के क्या हैं, तो चीफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट मोर देन गुजरात। तमिन्स फॉर्मेशन डे इसको 1 मई 1960 में इसको बनाया गया, जब इसको महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया, और कैपिटल जो यहाँ का गांधीनगर है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि डांडिया खेल रहे हैं लोग, यहाँ का डांडिया और गरबा जो डांस बहुत ही फेमस है, यह हमेशा ना हमेशा कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। और नॉन फॉर किन नाम से जाना जाए, तो गुजरात मीन्स गुज्जर यहाँ पे पहले बहुत राज करते थे, तो इसलिए गुज्जर से इसका नाम गुजरात रख दिया गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मैंने आपको बताया ही, मैं आपको एक और दो और तीन बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है आप इस वीडियो में ही आप याद हो जाएगा, आपका टंग पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक दो बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इस वीडियो का जितना भी कंटेंट है आप इस वीडियो में ही याद कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एक दो बार रिपीट कराता हूँ, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बाद क्या, यहाँ पे फॉरेस्ट कितना परसेंट रहता है, ठीक है। फॉरेस्ट 21,647 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। और द स्टेट हैज़ रिपोर्टेड एक्सटेंट ऑफ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFM, ठीक है। तो 21,647 स्क्वायर है जो कि परसेंटेज में बात किया है तो 11.09% जो कि इंडिया के अंदर ये बात किया गया, ठीक है, ग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और फिर बात करें तो प्रोटेस्ट एंड द अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर इतना मीन्स, और जो जितना बचा है और 60.39% जो कि फॉरेस्ट से हटाकर इसके जो जिसपे लोग निवास करते इतना परसेंट है, और 13.33% एंड 20.3% ऑफ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिफेक्टिवली है, ठीक है। यार तो इतना आपका टोटली 66 पॉइंट आपका बच जाता है जिस पे लोग निवास करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो स्टेट कौन कौन से स्टेट लगते हैं बॉर्डर से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो कि पाकिस्तान एक जो ऐसा देश है जो कि इंडिया से गुजरात से लगता है, जो कि कच्छ जो एरिया है वहीं लगता है पाकिस्तान से, ठीक है। और राजस्थान लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, और महाराष्ट्र लगता है साउथ ईस्ट से। और बात करें तो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में लगता है, एंड इंडिया का जो स्टेट है जो नॉर्थ में लगता है राजस्थान, और मध्य प्रदेश लगता है ईस्ट में लगता है, और महाराष्ट्र जो कि साउथ ईस्ट में लगता है, और दादर नगर हवेली भी लगता है जो यूटी है जो कि गुजरात से सटा हुआ है, ठीक है।
और जो कोस्ट लाइन जो एरिया है, सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन जो शेयर करता है वो गुजरात ही करता है, जो कि 1600 किलोमीटर लगता है, जो कि शेयर करता है समुद्र तट से लगता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर बात करें तो माई अनदर चैनल है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड और ब्लॉगिंग रिलेटेड से वीडियो मैं बनाता हूँ, तो आप जाकर वहाँ पर कर सकते हैं। चैनल का नाम है जेसी का ब्लॉग, और वहाँ पर जाके फन भी कर सकते हैं और ब्लॉगिंग से भी रिलेटेड बनता है, और वहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड से भी वीडियो मैं बनाता हूँ, तो जाकर वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में भी इट हैज़ बीन लाइक रिटेन ऑन, ऑल्सो आपको आपको लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, और जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे जो PDF है वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके पिनअप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, पॉपुलेशन मैं आपको बता ही दिया, अभी जो करंट में 2013 सेंसस के अनुसार 6.27 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन हो जाते हैं। डेंसिटी बोला जाए तो 308 पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोला जाता है वो गुजराती और हिंदी भी बोली जाती है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं आइडेंटिफाई सिंबल, जो स्टेट एनिमल, जो कि स्टेट एसेटिक लायन, जो कि आपको जो शेर है, ठीक है, जो कि जो शेर है जो गिर नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा जो ये शेर पाए जाते हैं एसेटिक लायन है, ठीक है। और फिर बात किया तो स्टेट बर्ड, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का जो स्टेट बर्ड हो जाता है, चिड़िया जो हो जाती है, ठीक है। फिर स्टेट ट्री बोला जाए तो बनियान ट्री, बनियान ट्री मीन्स होता है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, जो कि जो आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि जो बरगद का पेड़ है वो और कहाँ का स्टेट एनिमल है, ठीक है, सॉरी ट्री आपको बताना है कमेंट सेक्शन, ठीक है। फ्लावर में जाने को तो मेरी गोल्ड, जो कि मेरी गोल्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और स्टेट फ्रूट बोला जाए तो यहाँ का मैंगो हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो कि स्टैटिक जो लाइन है, जो कि गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे फर्दर, ठीक है। तो आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर बात करें डिफरेंस डांस फॉर्म यहाँ पे कौन कौन सा, ठीक है। तो बात करें कि हम लोग डिफरेंस डांस फॉर्म यहाँ पे कौन कौन से डांस फॉर्म यहाँ पर है, ठीक है। तो द मेन डांस फॉर्म गुजरात आर मीन्स गरबा डांस फॉर्म यहाँ पे होता है, और डांडिया होता है, जो कि आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे कुछ महिला है जो डांडिया डांस परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पे तिपनी डांस भी होता है और पदार भी डांस यहाँ पे होता है, पदार भी डांस यहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है गरबा डांस इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी कुछ दिन पहले हुआ डांस, इसमें बहुत ही सारा डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बाद डांडिया डांस होता है और टिपटी डांस और पदार डांस भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये सब डांडिया यहाँ पे जो डांस हो जाता है वो हो जाता है, और फिर बात करें तो यहाँ पर वो हाँ। तो फिर बात करें कि यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे कौन से, तो यहाँ पर एक जो पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट, जिसका पुराना नाम था कांडला पोर्ट, जो कि कांडला पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, अभी जो इसका नाम है वो चेंज हो गया, उसका दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको इमेज में शो हो रहा है, ठीक है। फिर बात करें यूनेस्को मीन्स यूनियन नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में है। तो यूनेस्को के अंदर गुजरात के से कितने साइट है तो बात करते हैं, तो रानी की वाव जो कि 100 रुपये के नोट पर इनका जो पिक्चर है, जो यहाँ पर है जो पिक्चर है वो है 100 रुपये के नोट पे, और चंपन पवनगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क है, जो कि ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। ओल्ड अहमदाबाद सिटी, जो कि ये भी यूनेस्को के लिस्ट में है, ठीक है। और धोलावीरा तो आपको पता ही है, धोलावीरा जो कि सबसे पुराना है, जो कि सबसे पहले यूनेस्को के लिस्ट में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। और टोटली कितना यूनेस्को में टोटली इंडिया से हेरिटेज साइट है, तो 40 हेरिटेज साइट है, आपको ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, धोलावीरा आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, मैं आपको बता दें, और रमप्पा टेम्पल इंडिया गेट्स 39 वर्ल्ड हेरिटेज है, रमप्पा जो टेम्पल है जिसको 39 नंबर पे इसको GITAG दिया गया, सॉरी GITAG नहीं, यहाँ के यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको रखा गया, ठीक है। ये 39 है, 49 तो वो भी गुजरात का है, ठीक है। फिर बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पर तो ज़्यादा मोस्टली कपास ही यहाँ पर उपजाया जाता है, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सा, ठीक है। ग्रेट मिलट, बाजरा, माइज मिस मक्का, पेड़ी भी हो जाता है,
ग्राउंडनट हो जाता है, कट्टन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है, कट्टन होता है, तभी तो यहाँ पे सूरज जो जो कि डायमंड बात करेंगे, डायमंड के नाम से जाना जाता है। और फिर कट्टन व्हीट भी होता है, मस्टर्ड भी हो जाता है, कॉमिंग भी हो जाता है, वेजिटेबल भी सारी हो जाती है, और बिसाइड्स बिसाइड से भी और शुगर केन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हो जाता है। शुगर केन बोले तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो यूपी में होता है शुगर केन, ठीक है, आपको याद रखना। फिर बात करें नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि बेलवदर नेशनल पार्क का भी इसका नाम रखा गया। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लायन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, आपको मैं बताया ही पहले। और फिर मेरिन नेशनल पार्क भी है, और बंसाल बंसदा नेशनल पार्क जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारा है, बट यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर वाइल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क है। और बात करें तो जम्बू गोढ़ा इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, जेसोर सलोथ वियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और बात करें कि कच्छ बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। खिजारिया वर्ड सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी है। मैरी नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क है। मिदियारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पुनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पोरबंदर बर्ड सेंचुरी है। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रामपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। थोल बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी है। फुलस फेनवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब देज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड 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 अलोंग विद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सॉरी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चलिए बात करें डैम कौन कौन से यहाँ पर, तो सरदार सरोवर डैम मैंने आपको बताया, जो कि पहले ही मैं आपको बताया कि इसी पर सरदार सरोवर डैम पर ही क्या बना हुआ है, तो सरदार वल्लभ भाई का पटेल का स्टैचू बना हुआ जो कि 182 मीटर का है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। उखाई डैम जो कि ताप्ती नदी पर है, और कादना डैम जो कि माही रिवर पर है, और करजान रेसोवर सरोवर जो कि कजरा जन रिवर पर, ठीक है। और यहाँ पर रिवर की बात करें तो रिवर की बात करें यहाँ चलिए। बर्ड सेंचुरी मैंने आपको बता ही दिया जो जो था बर्ड सेंचुरी, देज आर ऑल बर्ड सेंचुरी इन द गुजरात, ठीक है। कौन कौन से, तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, खिजरावा बर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, पोरबंदरपुर एक जो गांव है वहां पर जो कि गांधी जी का जन्म वहीं पर हुआ, ठीक है, तब को याद रखना है। थोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्धावन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सोलफनेस्कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग बात कर ही चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बात कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे टेंपल कौन कौन से हैं, जो कि टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट करता है, कोई भी एग्जाम उसमें टेंपल जरूर पूछा जाता है कि कौन सा टेंपल किस राज्य में लोकेटेड है, ठीक है। तो बात करें को द्वारकाधीश टेंपल एट द्वारका, द्वारकाधीश टेंपल आपको बहुत ही नाम सुने होंगे, ये बहुत ही प्रचलित टेंपल है जो कि गुजरात का बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो सोमनाथ टेंपल जो कि मैंने आपको फर्स्ट ही पीपीटी पर दिखाया था, सोमनाथ टेंपल जो कि, ठीक है। और फिर बात करें द्वारकाधीश टेंपल जो कि द्वारका में है, सौराष्ट्र में, जो कि सोमनाथ टेंपल, ठीक है। अक्षरधाम टेंपल जो कि गांधीनगर में, गांधीनगर जो कि गुजरात का राजधानी हो जाए, ठीक है। और बन सख्ता हनुमान टेंपल जो कि सलानपुर में, ठीक है। और जलरम पारा टेंपल जो कि राजकोट में, ठीक है। नगेश्वर ज्योतिलिंगट जो कि द्वारका में है, जहाँ पर द्वारकाधीश टेंपल है, ठीक है। और नवलखा टेंपल जो कि घुमली में है, ठीक है। और सन टेंपल जो कि मोदेरा में, ठीक है, सन टेंपल जो कि मोदेरा में, ठीक है। फिर बात करें मेजर यहाँ पे रिवर कौन सी हो जाती है, तो ताप्ती रिवर आपको इमेज में शो हो रहा होगा, ताप्ती रिवर जो कि इसके किनारे सूरत बसा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद करें साबरमती रिवर है, नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है, बेतवा रिवर है, माही रिवर है, और करजान रिवर है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट करें। और तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेक्स की बात करें तो
यहाँ पे हमीर सार लेक, कंकारिया लेक, लखोटा लेक, सरसागर लेक, थोल लेक, ठीक है यहाँ पे ये ली रहेगा, ठीक है मिस्टेक से छूट गया, बस्त्रापुर लेक, देज आर द लेक इन गुजरात, ठीक है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन और द मुंद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट दोनों हैं, और सुक्का थर्मल पावर स्टेशन, वाना खोरी थर्मल पावर स्टेशन, उखाई थर्मल पावर स्टेशन, गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन, देज आर द थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो वो ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, ओके, बिकॉज देज आर द मोर इम्पोर्टेंट। फिर बात करें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो काकरापार ऑटोमेटिक पावर स्टेशन जो आपको इमेज में शो हो रहा है, ठीक है। फिर बात करें तो यहाँ पर तो बात करें सोलर पावर प्लांट, तो गुजरात सोलर पावर प्लांट 75 MW, टाटा सोलर पावर प्लांट जो कि इमेज में शो हो रहा होगा, अडानी पावर लिमिटेड 40 MW पी सोलर पावर प्लांट जो कि बिट्टा में स्थित है, ठीक है। ये सारे जो पावर प्लांट है वो कहाँ है, सोलर पावर प्लांट जो कि गुजरात में, ठीक है। और सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट पूछा है तो केरला में है, और जो बनने वाला है अभी फ्यूचर में वो मध्य प्रदेश में बनेगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, ठीक है। फेमस एयरपोर्ट यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में, ठीक है, बहुत से जो इसका लोकेशन और बहुत ही गजब है, ठीक है। और जो इसका फ्रंट एंड है ना देखने में मजा आपको आ जाएगा, तो आपको टाइम मिले तो आप देखने जरूर जाइएगा, ठीक है। और बड़ोदरा एयरपोर्ट है, ठीक है, सूरत एयरपोर्ट है, राजकोट एयरपोर्ट है, जमगढ़ एयरपोर्ट है, पोरबंदर एयरपोर्ट है, ठीक है, भुज एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान से सीमा लगता है, तो भुज एयरपोर्ट है। भुज पर एक पिक्चर ही बना जो कि अजय देवगन का है, और एक कोई कौन सा हीरो मेरे को याद नहीं है, ठीक है। भवना नगर एयरपोर्ट है, कंदला एयरपोर्ट है, महसाना एयरपोर्ट है, महसाना भी जो कि अहमदाबाद के नियर पड़ता है, ठीक है, महसाना में जो बहुत सारी कंपनियाँ भी है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। अंकलेश्वर एयरपोर्ट, अंकलेश्वर जो कि पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। आपको इमेज में शो हो रहा वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश के राज्य के पास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का, ठीक है। फेमस स्टेडियम यहाँ पे कौन के, तो IPCL स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ग्राउंड। और बात किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और ठीक सौरस्त्रा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, सूरत इंदौर स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कुछ दिन पहले इसका रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, इंडिया का अंदर। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मतलब CB पटेल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, दे आर द इम्पोर्टेंट स्टेडियम इन द, ठीक है। इसको बात के जिसको कब बनाया, ओपन इसको कब किया गया, नरेंद्र मोदी जब जो स्टेडियम बना था इसको ओपन कब किया गया, तो 24 फरवरी 2020 को इसको ओपन किया गया था, ठीक है, पब्लिक के लिए। ट्राई बात के तो ट्राई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम के लिए ट्राई पूछा ही जाता है, कोई भी एग्जाम, ठीक है। खरादी ट्राइब्स बला ट्राइब, यह नहीं कि ट्राइब मिल भी सकता है, जो एक ही सेम ट्राइब दूसरे राज्य में भी हो सकता है, ये नहीं कि उस राज्य में तीसरे राज्य में नहीं हो सकता है, ठीक है। खरादी ट्राइब, बलट ट्राइब, भील ट्राइब, भील ट्राइब्स, नवियार ट्राइब्स, भील ग्रासिया ट्राइब्स, ढोली भीज ट्राइब, डोंगरी भील ट्राइब्स, डोंगरी ब्रासिया ट्राइब्स, मेसावरी भील, मालविद भील और रावत भील, टावरी भील, ठीक है, भगालिया, भिलार, पावरा, पालवी। और बात करें तो भावसा, भासवा, भवासे, कटारा, भलोर, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो नाम रहता है को डिफिकल्ट रहता है, तो प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा है मुश्किल है, तो इसके लिए सबको याद रहना, ठीक है। फिर बात करें इम्पोर्टेंट मोमेंट यहाँ पे कौन कौन सा, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट मोमेंट के कौन कौन से आपको यहाँ पे घूमे जा सकते, रानी की बाग मैंने बताया जो कि 100 के नोट पर है, लक्ष्मी विलास प्लेस, मोहम्मद मकबरा, ठीक है, धोलावीरा जो मैं आपको दिखाया ही था, अटल आदलाद स्टेप वेल, लोथाल, सिद्धि सैंद मोस्क्यू, सन टेम्पल, साबरमती आश्रम जो कि आपको महात्मा गांधी जी के यहाँ पे स्टेचू बना हुआ है, ठीक है, साबरमती आश्रम बहुत ही फेमस है गुजरात के अंदर। फिर बात करें निक नेम्स, कौन से सिटी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, उपनाम क्या है, तो सिटी नेम्स के बारे में बात करें तो सिटी नेम्स के सिटी ऑफ डायमंड, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सूरत रहेगा, सूरत को इन नामों से जाना जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ डायमंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डायमंड 99% यहाँ पर उत्पादन होता है, मीन्स यहाँ का डिमोटराइज होता है, तो वो सूरत में ही होता है, ठीक है।
तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से टेक्सटाइल सिटी भी, टेक्सटाइल सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा का जो बुनाई होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे सूरत को जाना है। ठीक है, सूरत मिस्टेक से छुट गया। अहमदाबाद तो संगम सिटी के नाम से जाता है, एबोड ऑफ द गॉड के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बहुत सारे हुए। ठीक है, गांधीनगर की बात करें तो इको पोलाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अहमदाबाद जो पहले बात करें तो अहमदाबाद पहला यहाँ का क्या था, राजधानी था अभी गांधीनगर। ठीक है, बड़ोदरा किस नाम से जाना जाता है, सयाजी नगरी के, बनियान सिटी मीन्स बरगद सिटी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ द एमएस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गरबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गरबा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ोदरा में होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर डांस, डिफरेंट डांस फॉर्म बात करें तो गरबा डांस फॉर्म, भारविया, तिब्बती, पुदार, होडो डांस, ये तो हम बात कर ही लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलीजन फेस्टिवल, यहाँ फेस्टिवल कौन कौन से मनाया जाता है और कब मनाया जाता है भी बात करते हैं। ठीक है, नवरात्रि मनाया जाता है जो कि दशहरा में, रान उत्सव मनाया जाता है, उत्तरायण मनाया जाता है, समलाजी मेलो मनाया जाता है, ठीक है, वथा मेला मनाया जाता है, मोधेरा डांस फेस्टिवल मनाया जाता है, जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, रथ यात्रा मनाया जाता है, मदवारी फेयर, भद्रा पूर्णिमा भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करें GI टैग किसको दिया गया। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मीन्स किसको दिया गया, जैसे सूरत जारी क्राफ्ट को दिया गया। ठीक है, गिर केसर मैंगो, एक मैंगो होता है जो कि बहुत ही फेमस है गुजरात के अंदर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। ठीक है, भालिया विट एक होता है उससे दिया है, कच्छा, ठीक है, कच्छ सोलस को दिया गया, पटन पुटालो को दिया गया, सनखेड़ा फॉर चूच को दिया गया है, कच्छ इम्ब्लोडली को दिया गया है, और बात के अगेट्स ऑफ द केम्बली को दिया गया है, और बात के सनखेड़ा फर्नीचर लोगों को दिया गया है, कच्छ इम्ब्रोल्डी लोगों को दिया गया है, और बात किया जाए कि यहाँ पर जो नेक्स्ट तो बात करें तो सॉरी जमनागरी बंधानी को दिया गया, राजकोट पुटाला को दिया गया, पथेपुर प्रिंटिंग ब्लॉक एक होता है उसे दिया गया है, इन सारे गुजरात के प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया। ठीक है, GI टैग एक ऐसा होता है जो कि जो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट उसी राज्य में बनाया जाता है उसी को ही दिया जाता है GI टैग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो साड़ी मैंने आपको बताया उसको GI टैग दिया गया। ठीक है, फिर बात करें तो चलिए अपना सेशन, ये अभी जो सेशन था लेसन का वो बात कर चुका, अब चलिए MCQ बात करना है और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है ईमानदारी से। ठीक है, नहीं कि चीटिंग नहीं करना। ठीक है, डोंट बी चीट। ओके, चलिए बात करते हैं तो क्यूज भी होगा और यहाँ पे MCQ भी होगा। चलिए बात करें, फर्स्ट गरबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, मीन्स गरबा फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो आई एम गिविंग 5 सेकेंड टू यू एंड ट्राई टू करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो योर टाइम हैज़ गोन, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट विल बी गुजरात, मीन्स गुजरात गरबा में सबसे मनाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना आता है गुजरात टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, गुजरात में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 मीन्स 33 इसका। ठीक है, फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विद गुजरात, कौन सा राज्य है जो कि गुजरात से अपना क्या करता है शेयर करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर विद गुजरात, मीन्स कौन सा राज्य जो कि गुजरात से शेयर करता है, तो पाकिस्तान कोई नहीं, तालिबान शेयर नहीं करता, ईरान नहीं करता, अफगानिस्तान नहीं करता, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात, गुजरात का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाता है आपको बताना। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती, यहाँ का और हिंदी भी है और गुजराती भी। ठीक, और बात करें तो फिफ्थ नंबर, हु इज अ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यहाँ का कौन है बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए बताइए, तो डी विल बी टी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीतीश कुमार तो आपका पता ही होगा जो कि बिहार के हैं, पुष्कर सिंह धामी आपके यहाँ पर उत्तराखंड के हैं, और यहाँ बात करें एकनाथ सिंह जो कि अभी प्रेजेंट में बने हुए हैं मध्य प्रदेश के नहीं महाराष्ट्र के। व्हाट रैंक्स डज गुजरात होल्ड्स द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया, मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है कि जो गुजरात का रैंक है वो कितना नंबर पे आता है किसके अकॉर्डिंग, तो लार्जेस्ट मीन्स आपका बात करें तो
एरिया कौन सा, ठीक है, एरिया के अनुसार इसका हो जाता है 5th नंबर इसका रैंक का था, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन आपका था वेयर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, गांधीनगर। 8th नंबर हाउ मेनी स्टेट्स डू स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद, मीन्स कितने सारे स्टेट है जो कि शेयर करते हैं गुजरात के बॉर्डर से, ठीक है, तो इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, ग वुड बी दी करेक्ट सेंटर, ठीक है। वेन वाज गुजरात गिवन स्टेटहुड, मीन्स गुजरात कब एक राज्य बना दिया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र से लेकर, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन डे बनाया जाता है 1 मई 1960 को इसको बनाया गया था, ठीक है, आपको याद होने। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एरिया वाइज, एरिया एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है गुजरात के अंदर, था तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब बात करते हैं क्यूज की, आपको बताना है हुई द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का भी चीफ मिनिस्टर कौन, अभी मैंने बताया 5 सेकंड 10 सेकंड पहले, और फिर बात करें तो ये आइडेंटिफाई हु इज इट, या कौन से हैं, किस, मैं बता दे रहा आपको हिंट दे रहा हूँ, ये किस, ये चीफ मिनिस्टर है किस राज्य के, आप मेरे को नहीं पता, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ज़रूर बताना है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो आपको पसंद, आई होप यू हैव लाइक्ड माय चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो बिकॉज आई नीड टू ग्रेट सब्सक्राइबर, मुझे बहुत ही सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप में डालें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद जय।